हेलो गाइस, दोस्तों आपने कभी ना कभी डेस्कटॉप लैपटॉप का यूज़ तो किया ही होगा और ऐसे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के बारे में भी सुना होगा। अब ऐसे में मदरबोर्ड क्या होता है चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर कैसे बनता है। कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका सीपीयू, यानी कि इस बॉक्स में वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कंप्यूटर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। अब सीपीयू अकेला काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। चलिए जानते हैं इस सीपीयू के अंदर क्या होता है, यानी इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है। अरे हम तो बात कर रहे थे मदरबोर्ड की। हाँ दोस्तों, मदरबोर्ड इस बॉक्स के अंदर होता है। सबसे पहले इसमें होता है SMPS पावर सप्लाई के लिए, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव और रैम। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है मदरबोर्ड। दोस्तों अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो हमारा ना ही प्रोसेसर लग पाएगा, ना ही रैम लग पाएगा, ना ही यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए जो भी SMPS होता है वो लग पाएगा। तो कैबिनेट के अंदर ये वो मेन बोर्ड होता है जिनमें ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेल गाइज, मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे PCB के नाम से जाना जाता है। यह प्लास्टिक की एक सीट होती है। सभी उपकरणों यानी कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, इसके अलावा यहाँ पे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और जो भी कीबोर्ड होता है, उन सबको जोड़ने के लिए अलग अलग डेडिकेटेड पोर्ट्स दिए होते हैं। इन सबको लगाने के बाद अब मदरबोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि सभी को वो पावर सप्लाई दे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाए। दोस्तों अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड को कई नाम दिए गए हैं जैसे कि सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, प्रिंटेड वायर्ड बोर्ड आदि। अब गाइज यहाँ पे अगर हम कल्पना करते हैं एक कंप्यूटर की विदाउट मदरबोर्ड, सो गाइज ये करना गलत होगा क्योंकि बिना मदरबोर्ड के उपकरण आपस में जुड़ेंगे नहीं और ऐसे में कंप्यूटर कभी ऑन नहीं होगा। वेल गाइज, अगर आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड को बड़े ध्यान से देखोगे तो इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आपको ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स और बड़े बड़े कंपोनेंट्स दिखाई पड़ेंगे जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनता है। लेकिन गाइज इसमें इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में अभी बात करना उचित नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं इनके कुछ मेन मेन कंपोनेंट्स के बारे में। दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड है, चलिए जानते हैं यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसे CPU सॉकेट बोला जाता है। यह एक प्रकार का इंटरफेस है जो प्रोसेसर को मदरबोर्ड से जोड़ता है। इसमें कई तरह के छेद होते हैं जिसमें प्रोसेसर के पिन जो होते हैं वो स्थापित होते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। यहाँ पर मदरबोर्ड में आप कुछ स्लॉट्स देख पा रहे होंगे। सो गाइस ये स्लॉट्स बोले जाते हैं रैम स्लॉट्स। यहाँ पर हम रैम को लगाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मदरबोर्ड को कहाँ से पावर सप्लाई मिलती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पावर स्लॉट। तो दोस्तों इस तरह के पावर स्लॉट दिए जाते हैं मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करने के लिए, तो इनकी वजह से पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। सो गाइस इस कंपोनेंट का नाम है हीट सिंक, और हीट सिंक का काम होता है मदरबोर्ड में आने वाले अनवांटेड जो भी हीट होती है उसको अब्सॉर्ब करना। तो होता क्या है कि मदरबोर्ड जब गर्म होने लगता है तो यहाँ पे जो हीट सिंक करता क्या है कि हीट सिंक उसकी जो भी गर्मी होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेल लगा हुआ दिख रहा होगा। जी हाँ ये सेल है, इसे बोलते हैं CMOS बैटरी। सो गाइस इसका काम ये होता है कि जब भी आपका डेट और टाइम अपडेट होता है आपके लैपटॉप में या फिर PC में, तो इसके पीछे इसी बैटरी का हाथ होता है, इसे बोलते हैं CMOS बैटरी। दोस्तों मदरबोर्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे PCI स्लॉट दिए जाते हैं जिनसे आप अलग अलग तरह के नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और हार्डवेयर यहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हो यानी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप दो तरह के वाइट वाइट कलर के स्लॉट देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं PCI स्लॉट। अब PCI स्लॉट एक तरह से मदरबोर्ड की पावर बढ़ाते हैं जहाँ में हम एक्स्ट्रा मॉडेम जोड़ सकते हैं। दोस्तों जब भी हम बड़े बड़े वीडियो गेम चलाते हैं तब ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड की,
तो भैया ऐसे में मदरबोर्ड के ऊपर आप दो यहाँ पे स्लॉट देख पा रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट। अब गाइस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड होता है उसे इंजेक्ट करने के लिए स्लॉट दिए होते हैं, यहाँ पे आप उन ग्राफिक्स कार्ड को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पोर्ट्स के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का और पर्पल कलर का पोर्ट जो दिख रहा होगा ये माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीजीए और पैरेलल पोर्ट मिल जाते हैं। वीजीए पोर्ट का काम मॉनिटर को जोड़ना होता है और पैरेलल पोर्ट का काम प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ना होता है, यानी आप इनसे प्रिंटर स्कैनर जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करना है तो ऐसे में आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। वेल गाइज यहाँ पे आपको लैंड पोर्ट भी मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना है या फिर इथरनेट को कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आप उस केबल को इस लैंड पोर्ट में कनेक्ट करके इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। वेल गाइज आपको कुछ रंग बिरंगे पोर्ट्स दिख रहे होंगे मदरबोर्ड के ऊपर। सो गाइज इनको बोलते हैं ऑडियो पोर्ट। अब ऑडियो पोर्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक्सटर्नल माइक या फिर स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है। अब दोस्तों चलते हैं इन कनेक्टर्स की तरफ। तो इनका नाम है साटा कनेक्टर्स। अब गाइज इनका यूज किया जाता है यहाँ पे हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए और एसएसडी को कनेक्ट करने के लिए। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मदरबोर्ड का क्या काम होता है और मदरबोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का आइकन आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।